दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बहुत सारे यूवर्स मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं कि अवैध संबंध या किसी के साथ इस प्रकार के गलत संबंध रखते ही कोई पति या पत्नी तो उसे क्या तलाक मिल सकता है? ऐसा नहीं, बिल्कुल दोस्तों मैं इसके बारे में पूरी चीज बताऊंगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अवैध संबंध रखता है, पति हो या पत्नी किसी के साथ लिव में रहता हो या शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो क्या उस व्यक्ति को पति हो या पत्नी क्या उनके आधार पर, उन फोटोग्राफ्स के आधार पर या उन वीडियोस के आधार पर उन्हें तुरंत तलाक मिल सकता है या नहीं? दोस्तों तुरंत तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है, शादीशुदा जीवन में किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का कृत्य करता है या अपने पति को छोड़कर किसी महिला दूसरे व्यक्ति से बातचीत करती है या पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी महिला के साथ बातचीत करते हैं या लिव में रहते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इसी गलत तरीका से आहत होकर बहुत सारे पति या पत्नी या पति तलाक की राह पर चल पड़ते हैं। इसी तलाक की राह पर चलने के बाद क्या उन व्यक्तियों को इसी आधार पर तलाक मिल सकता है या नहीं? दोस्तों हाल ही में राजस्थान जयपुर के पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने इसे क्रूरता माना गया है। अगर शादीशुदा होने के बावजूद किसी के साथ पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े जाते हैं, उनके फोटो खींचे जाते हैं, वीडियो बना लिया जाता है, उसी के आधार पर पति ने एक पारिवारिक न्यायालय जयपुर में तलाक का केस दायर किया। तलाक का केस दायर करने के बाद जब सारी स्टेज फॉलो होती है, यह सारी चीजें होने के बाद सब अंतिम बहस में आती है, तो उसमें जज साहब ने ये कहते हुए उन्हें तलाक की डिग्री दे दी जाती है, उनका प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया जाता है कि इस महिला ने इनके साथ क्रूरता की है, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद भी इनके जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा, मानसिक टेंशन सारी चीजें, तो इन्हें क्रूरता की है, इसी आधार पर उन्हें तलाक दे दिया जाना चाहिए। इसी के आधार पर माननीय न्यायालय के न्यायाधीश ने उन्हें पति को तलाक दे दिया। इसी दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी क्रूरता होती है तो बिल्कुल तलाक लेने का प्रथम अधिकारी है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।